Hello kids, a very good morning to all. Myself Anshika, your English teacher. Okay, so this is your English class. Take out your English book, open Minds English Reader, and open page number 61. Today's topic is use of in. आज हम क्या पढ़ेंगे? Use of in. कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Do you remember? कल की क्लास में हमने this और that का use पढ़ा था. तो मैंने ये बताया था कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उनके लिए हम this का use करते हैं, जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनको indicate करने के लिए हम that का use करते हैं. ओके, ये मैंने अभी आपको revise करवा दिया. अभी आज का new topic है use of in. In means क्या होता है? Do you know? आई एन इन, जो ये ऊपर लिखा हुआ है ब्लू इंक से, आई एन इन का मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं. ओके, आपको नहीं पता होगा, चलिए मैं बताती हूँ. इन मीन्स होता है अंदर. ओके, जब कोई चीज़ हम किसी चीज़ के अंदर रखते हैं तो उसको इन बोलते हैं. इन मीन्स अंदर, कि हमने उसको अंदर रख लिया. जैसे आप अब एग्जाम्पल देखो, बुक में आपके दिया है ये कैट है, और ये कैट क्या है? टब के अंदर है. ठीक है, टब के ऊपर तो वो बैठी नहीं है, टब के अंदर है ना. अंदर मतलब वो टब के इनसाइड है, इन है. ओके, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? अ कैट इज़ इन द टब. अ कैट इज़ इन द टब. ओके, इन बोलेंगे, वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे क्योंकि वो टब के अंदर है. नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे. आप ये बैग देख रहे हो, ठीक है, बैग में आपको ये पेन नज़र आ रही होगी, छोटी सी आगे रखी है. तो क्या चीज़ किसके अंदर है? क्या बैग जो है वो पेन के अंदर है? क्या बैग पेन के अंदर आ सकता है? नहीं, पेन जो है वो बैग के अंदर है, बैग के अंदर रखी हुई है ना. तो क्या बोलेंगे? अ पेन इज़ इन द बैग, मतलब जो पेन है वो बैग के अंदर है. नेक्स्ट है, ये डॉग है, और डॉग अपने हाउस में है. डॉग के हाउस को हम क्या बोलते हैं? डॉग के हाउस को बोलते हैं कैनल. क्या बोलते हैं? कैनल. तो इसको हम बोलेंगे अ डॉग इज़ इन द कैनल, या हट भी बोल सकते हैं. यहाँ आपकी बुक में, वैसे डॉग के हाउस को कैनल ही बोलते हैं, बट यहाँ पे आपकी बुक में हट लिखा हुआ है, अ डॉग इज़ इन द हट, तो यहाँ पर हम हट रीड करेंगे. तो डॉग जो है वो हट में है, हट के अंदर है ना. तो द डॉग इज इन अ इन द हट. नेक्स्ट, रैट को आप देख रहे हो बॉक्स के अंदर है, अंदर की तरफ है, ऊपर नहीं बैठा है ना. तो हमें इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि इन मीन्स क्या होता है. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है, अंदर रखी जाती है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम और किसी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते. ओके, चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. अ कैट इज़ इन द टब. अब आपको रीड करना वर्ड्स तो आ ही गया जॉइंट करके, तो मैं विथ स्पेलिंग नहीं बताऊंगी, ऐसे ही बस मैं वर्ड्स रीड करूंगी डायरेक्टली. ओके, अ कैट इज़ इन द टब. नेक्स्ट लाइन, अ पेन इज़ इन द बैग. अ मैन इज़ इन द वैन. देख रहे हो आप, मैन जो है वो वैन के अंदर है ना, इसलिए क्या बोलेंगे? अ मैन इज़ इन द वैन. अ डॉग इज़ इन द हट. देखो, अ डॉग इज़ इन द हट. अ पिन इज़ इन द बन. अ पिन इज़ इन द बन. इसमें देखो, बन में पिन लगी हुई है, तो बन के अंदर वो गई है ना, दिख रहा है ना वो अंदर का पार्ट उसका, इसलिए वहाँ पर इन का यूज़ हुआ है. अ रैट इज़ इन द बॉक्स. अ बन इज़ इन द जार. जार के अंदर बन है, तो बन अंदर है, तो अबन इज़ इन द जार. अ लॉयन इज़ इन द डेन. लॉयन डेन में है, लॉयन का हाउस डेन होता है ना, वो अपने डेन में है, डेन के अंदर है, तो अ लॉयन इज़ इन द डेन. अ टिन इज़ इन द बिन. अ टिन इज़ इन द बिन. बिन के अंदर टिन है, इसलिए हमने यहाँ पर इन का यूज़ किया, क्योंकि वो बिन के अंदर है. अ हैन इज़ इन द पिट. अ हैन इज़ इन द पिट.
हेन है जो वो किस में है, पिट में है. ओके तो ऐसे ये हमने समझ लिया है, अच्छे से रीडिंग कर ली है. ओके तो आपको ये अच्छे से रीड करना है और मेरे पास अपना ऑडियो सेंड करना है. और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कॉल मी. नाउ बाय बाय चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे.